रायबरेली में जमीनी विवाद के चलते एक दर्जन से अधिक दबंगों ने एक ही परिवार पर किया लाठी डंडों कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला। दबंग के हमले में 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। मामला डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अयासपुर डी गांव का, जहां एक दर्जन से अधिक दबंगों ने उमाशंकर अवस्थी पुत्र विजय बहादुर अवस्थी उम्र 60 वर्ष के परिवार पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उमाशंकर सहित परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। क्या नाम है आपका? उमाशंकर। कहाँ रहने वाले हो? अयासपुर डी ही। थाना कौन सा है? थाना डी। कैसे चोटें आ गई? अब मारपीट हो गई, उसमें चोट आ गई है। कौन लोग थे? नचाऊ महाराज के 2 लड़का रहे, नचाऊ रहे हैं, और उनके राम कृष्ण के लड़का 5-6 ही रहे, बाकी 4-5 बाहरी रहे, उनका पहचान नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? मुलिया मऊ। ये सब मुलिया मऊ रहने वाले? हाँ। किस बात को लेके विवाद हुआ? जमीन का। इसकी शिकायत थाने में की हो? हाँ। इनका सर में चोट है। क्या नाम है आपका? सुशील अवस्थी। कहाँ के रहने वाले? अयासपुर डी। थाना कौन सा है? डी। चोटें कैसे है? चोटें हाथ में लगी, यहाँ। कैसे चोटें आ गई, मतलब किस बात को लेके विवाद हुआ? जमीनी विवाद को लेके हुआ। कौन लोग थे मामले वाले? सब बाहरी थे, गांव के थे, गांव के थे, बाहरी लोगों को बुलाया। क्या नाम था गांव वालों का? नचाऊ उर्फ राम किशोर, अंकित, शुभम, भास्कर, अमन, बाकी 4-5 लोग अज्ञात में थे। शिकायत थाने की की है? हाँ, की है। सर परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर दाऊद हुसैन, आज EMO जगह बैठकर जिला अस्पताल रायबरेली हूँ। सर अभी कुछ पेशेंट आए हैं छोटे, क्या है पूरा मामला? अयासपुर डी थाना डी से 4 लोग आए हैं, जिनका नाम आशीष अवस्थी, उमाशंकर अवस्थी, सुशील अवस्थी और प्रहलाद अवस्थी है। इनका कोई जमीनी विवाद होने के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसके वजह से इन चारों को बहुत चोटें आई हुई हैं। कैसी स्थिति है अभी? तो इनकी स्थिति ठीक है, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। इन चारों लड़कों को भर्ती करके इनका उपचार किया जाएगा।